ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਰੰਗ ਪਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। आज हम निकले हैं घर से फिगोनिया एरेबिक, एक होम्योपैथिक अद्वितीय पौधे की तलाश के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान अकरम साहब, हम दोनों इस सफ़र पे रवादा हैं। फिगोनिया एरेबिक वह नबाताती पौधा है जो कैंसर के मर्ज को रोकने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर कार्नी ने अपने इंडियन मटेरिया मेडिका में फेगोनिया को एंटीसेप्टिक तस्लीम किया है। इसके अलावा तमाम कदीम आयुर्वेदिक और तिब्बी कुतुब में भी उसे ज़बरदस्त मुसफ़ा खून और एंटीसेप्टिक कहा गया है। अगर हमल के दिनों में हामला औरत को फिगोनिया एरेबिक का एक चम्मच पिला दिया जाए तो बच्चा चीचक के मर्ज से महफूज रहता है। आज हम उसी जगह पे आए हैं जहां से हम पहले भी फिगोनिया के पौधे को लेके जा चुके हैं, लेकिन आज हमें मुश्किल महसूस हो रही है क्योंकि इधर अभी तक हमें कोई भी पौधा नज़र नहीं आया। ये जो पौधा अब हमें नज़र आया, ये भी एक अद्वितीय पौधा है। इसका नाम है सोलोनम कैंथोकार्पम। तो सांस के अमराज में इसके फूलों से होम्योपैथिक मदर टेंचर तैयार किया जाता है। लें जी, 2 घंटे खपने के बाद हमें ये एक पौधा मुयसर आया है। वजह इसकी वो ही है कि जो इसको उखाड़ने वाले हैं वो जड़ों से उखाड़ के ले जाते हैं और बाद में किसी के काम की रहती नहीं है। वो वहाँ जड़ होगी तो दोबारा पौधा उगाएगा, अगर जड़ नहीं होगी तो दोबारा पौधा कैसे होगा। अद्वितीय पौधों की तलाश इतनी मुश्किल है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जून जुलाई के महीनों में जब घर से निकलना पड़ता है पौधों के लिए तो तब पता चलता है। जब भी कोई अद्वितीय पौधे की तलाश में कोई बंदा भी आए, चाहे वो मुआलज है या कोई और है, उसको हमारा तो मशवरा यही है कि इसको बजाय जड़ से उखाड़ने के इसको काट लिया जाए। प्लास के साथ, कटर के साथ, कुछ भी हो, लेकिन इसको जड़ से ना उखाड़े। बस इसकी शाखें काटें। किसी इलाके में तो बहुत ज़्यादा होती है और किसी इलाके में हमारी तरह बंदा बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। हम 1 घंटा मुसलसल पत्थरों पे फिर रहे हैं और अब आके हमें एक पौधा मिला है। अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो लोग इधर से उखाड़ने आते हैं, जिनको पता है पौधों के मुतलक, वो जड़ से उखाड़ के ले जाते हैं। ये हमारे साथ अदनान साहब हैं, अदनान अकरम साहब। ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ तशरीफ़ लाए ढूंढने में, और इतने घंटों से हम एक और पौधा हमें मिल गया है। ये हमने 30 रुपए का एक चिमटा भी ख़रीदा है इसको पकड़ने के लिए। इसके साथ कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। सब फाड़ा ये गत्ते के डब्बे के अंदर इसलिए इसको डालते हैं कि
और शापर में डालेंगे, शापर फट जाएगा, इसके साथ कांटे होते हैं। पौधों की तलाश इतनी मुश्किल है कि कभी कभी आपका सामना देखे कुत्तों से भी हो जाता है। काफ़ी सफ़र तय किया हमने रेलवे ट्रैक के ऊपर, लेकिन हमें सिर्फ दो पौधे ही मिले हैं। यह काबिले अफसोस बात है कि जिस जगह पे अच्छी खासी बूटी मिलती थी वहाँ पे अब देखने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। अद्वितीय पौधे नायाब होते जा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे लोग जो हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जिनके खेतों के अंदर कुदरती खाल बने हुए होते थे, कच्चे थे, अब वो मेहनत करने की बजाय उसको कसी के साथ निकालने की बजाय स्प्रे का अमल करते हैं उनके ऊपर, और स्प्रे करने से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो मारी जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अगर चाइना की मशीनें ले ली जाएं तो अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑनलाइन मशीनरी मौजूद है ज़रूरी खेती बाड़ी के लिए भी, तो कम जोर लेती हैं, जड़ी बूटियां उखाड़ने में और तलब करने में। जो चीज़ उजार के साथ उखाड़ दी जाए उसकी जड़ बाकी रहती है, वो दोबारा पैदा होने का चांस रखती है। लेकिन अगर इसी तरह अद्वियाती पौधे ख़त्म होते रहे तो हमारी जो एक लोकल कुवत है तिब की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। यही इंसान के लिए अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियां पैदा की हैं, इसके ज़िंदा रहने के लिए, इसको सेहतमंद रखने के लिए, और इसके दुख में, इसके दर्द में अफाके के लिए यही कुदरती नबातात हमारे काम आती है। अब हमने वापसी का इरादा कर लिया है, इंशाल्लाह अगली किसी और नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।